जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्रिप्स मिशन जो कि हुआ था 1942 में। ठीक है, तो क्या हो रहा था उस समय कि जापान की पावर बहुत राइज़ हो रही थी। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे कि अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, दे एनफोर्स ब्रिटेन टू ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया कि भाई फ्रीडम दे दो, अगर अदरवाइज़ अब नाउ जापान इज़ नाउ इंक्रीजिंग। ठीक, सो एज अ रिजल्ट स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं मार्च 1942 में इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इंडिया पहुंचने के बाद 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स ने एक प्रपोजल डाला जिसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि वॉर के बाद इंडिया जो है उसको एक डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे एंड विच वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी उसको नहीं डील करेगी, वी विल बी गिविंग अ डोमिनियन स्टेटस। इंडियंस शुड बी गिवन द राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा, फॉर विच द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द वॉर। द प्रोविंसेस नॉट एग्रींग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी प्रोविंसेस जो नए कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को रेडी नहीं हैं, दे वुड हैव द राइट टू कीप देमसेल्व्स आउट ऑफ द प्रपोज्ड यूनियन। सच प्रोविंसेस विल बी एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स से जैसे कि हम ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो नहीं लागू हुई, बट अगर हम देखें कि आज़ादी के बाद जैसे मान लीजिए कि तीन स्टेट्स थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिन्होंने बोला था कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा इन्होंने भी प्रपोजल था, अगर कोई प्रिंसली स्टेट नहीं मानना चाहती है, वैसे तो इंडिया को पूरा अधिकार होगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, बट इफ़ एनी स्टेट इज़ नॉट विलिंग टू ज्वाइन देन वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बना सकती है। तो ये इनका एक सेटअप था कि इन्होंने बनाया था। ड्यूरिंग द वॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। वॉर के समय पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी अलग अलग पार्टीज से मिला के। हाउएवर डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी किसका, वाइसराय का। महात्मा गांधी टर्म द स्टील एज अ पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने इसको बोला कि भाई ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया आपने, जो जब होगा तब होगा। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद ये ऑफिशियल निगोशिएटर्स थे कांग्रेस की तरफ से इन द क्रिप्स मिशन। तो देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विच ईयर द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। जापान की एज वी हैव डिस्कस कि जापान की पावर बढ़ रही थी, तो बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे कि अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने दबाव डालना शुरू किया ब्रिटेन के ऊपर कि आप फ्रीडम दीजिए इंडिया को। ठीक है, इसी की वजह से स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया आते हैं और उन्होंने कुछ डिमांड्स यहाँ पर रखी। स्टेफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट विच इंक्लूडेड क्या क्या है कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। येस, वी हैव डिस्कस्ड All the provinces and states must be merged to make an Indian Union. Yes. Any province or state can take decision to live outside the Indian Union. True. Indian constitution must be constituted by the people of India. True. ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने रखे थे demands और ये चारों ही demands इसमें सही हैं. So all of the above would be the answer. इसमें देख लेते हैं कुछ और extra है तो अगर पॉइंट्स में, तो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा विच वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी इनिशिएट की जाएगी, प्रोविंसेस जो हैं दे वुड हैव द राइट टू कीप देमसेल्व्स आउट ऑफ द प्रपोज यूनियन, ऐसे प्रोविंसेस जो हैं दे विल बी एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग द वॉर द एन इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। हाउएवर डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे वाइसराय की। ठीक, तो इन्होंने बोला कि इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग वॉर के समय पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिस जबकि जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स है वो हम अपने हाथ में रखेंगे, दैट विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वॉज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, that all Indian states should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy for India. The creation of an Indian Union with dominion status after the Second World War, the active participation and cooperation of the Indian people,
कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स एज अ कंडीशन फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सोवरेन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द वॉर. द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर इंडियन यूनियन विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस एंड अ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एक्सेप्टेड बाई ऑल प्रोविंस. ठीक है, तो देखिए इसमें से ये बोल रहे हैं कि इसमें से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था. तो सारी ज्वाइन करें ये ज़रूरी नहीं है, बोल दिया गया था अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है. द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ इंडियन पीपल कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं, ये इसमें डिमांड नहीं थी. क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बोला था इन्होंने. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे फॉर द एंटायर इंडियन यूनियन विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस, नहीं ऐसा भी नहीं था. सेपरेट प्रोविंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सकती हैं इफ़ दे वॉन्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिप्स मिशन. तो देखिए डोमिनियन स्टेटस सही है, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी. एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, ये सही है. द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स एनविसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी ग्रांटेड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे वो. इंडिया शुड बी पार्टीशन इंटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ऐसा भी नहीं था. इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद अ कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, नहीं. इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस. ठीक, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं, यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट आपको उसका जस्ट यू नो एसेंस पकड़ना होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप ईजिली उससे. अब जैसे इसमें एक कंप्लीट एसेंस अगर आप पूरे स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन का देखिए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ इंडिया जो है उसको एक डोमिनियन स्टेटस देने की डिमांड की गई थी, इतना है. उसके बाद बाकी चीज़ें उससे कनेक्ट हो आप कर सकते हो, तो ये अगर आपको पता है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे. हु व्यूड द क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, नहीं. डोमिनियन स्टेटस, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, सो ओनली टू. According to Cripps Mission, India was proposed to be entered in a dominion status after the Second World War. Cripps Mission also proposed to make constitution making body. Who of the following Prime Minister sent Cripps Mission to India? कौन उस टाइम समय Prime Minister कौन थे? तो Winston Churchill. So to seek help India's participation in the Second World War in March 1942, British Prime Minister Winston Churchill, इन्होंने Cripps Mission भेजा था इंडिया में under the leadership of Sir Stafford Cripps. Who among the following were official Congress negotiators with Cripps Mission? Official Congress negotiator कौन रहे हैं Cripps Mission के साथ? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद. नेहरू एंड मौलाना आज़ाद वर द ऑफिशियल नेगोशिएटर्स फॉर द कांग्रेस विद Cripps Mission. Who among the following called movements of Gandhi as a political blackmail? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने बोला था मूवमेंट्स ऑफ गांधी एज अ पॉलिटिकल ब्लैकमेल. वाइसरॉय इन जनरल लॉर्ड लिनलिथगो टेन्योर वाज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया. ही वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय फ्रॉम 1936 टू 1943 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज टेन्योर. तो इन्होंने बोला था कि जो गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं वो एक तरीके के पॉलिटिकल ब्लैकमेल्स हैं. ओके, तो ये किसने बोला था? लिनलिथगो ने, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग क्या बोलते हैं वाइसरॉयशिप उनकी रही इंडिया में. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिप्स मिशन 1942. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्विट इंडिया मूवमेंट. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल. ऑल्सो इट वॉज द लास्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, एज एन एक्टिव पॉलिटिशियन उनका ये लास्ट मूवमेंट था, उसके बाद उन्होंने किसी और मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट उसके बाद नहीं किया. तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, और इसी के साथ बस हम 1942 में एंटर कर गए हैं. सो 1947 अब आने में देर नहीं है. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड नाउ वी हैव ऑलमोस्ट एंटर्ड इन टू 1947, दैट इज द फ्रीडम ऑफ इंडिया. ओके, तो हम एक फ्री कंट्री से एक इन्वेडेड कंट्री में आए, इन्वेडेड से फिर से एक
दूसरे इन्वेडर्स आए, दोज हु कैन डिड नॉट केम टू द रूट्स ऑफ रोड, रोड रूट से नहीं आते हैं वो, उसके बाद वो ब्रिटिशर्स ने आके हमारे ऊपर रूल किया, एंड फाइनली 1947 में वी वुड बी फ्री. बट यू हैव टू डिसाइड दैट स्टिल आर वी फ्री और नॉट, बिकॉज माइंड सेट हमारा शायद फ्री उतना नहीं है अभी भी. तो एज अ पॉलिटिकल स्टेटस तो हम फ्री हो गए हैं, हमारे पास कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है, हमारे पास अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है इंडिया एज अ नेशन. और ये आइडेंटिटी दिलाने में जिन लोगों ने हमारी मदद की है, चाहे वो कोई भी रहा हो, छोटे से छोटा योगदान भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दोज पीपल. ये जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, किसी की जयंती, शहीद दिवस, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ें हैं. अगर आप सिर्फ स्टेटस और वो ना भी लगाएं, समझ रहे हैं कि किसी को आपने सिर्फ भेज दिया, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कितना मानते हैं, आप अपने अंदर कितना रिस्पेक्ट रखते हैं किसी के लिए. तो वो अगर आप 24 घंटे आपके दिमाग में रहेगा दैट वी आर सिटिंग हियर फ्रीली, कोई बंदिश नहीं है, आज आप मैं आपको ये चैनल्स यूट्यूब पे दे रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, कोई बंदिश नहीं है, नहीं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, ठीक है. अब ये प्रेस तो नहीं है, ये उस समय इंटरनेट नहीं था, बट अगर इंटरनेट होता तो आप समझिए इंटरनेट पर कितनी बंदिश हो जाती, राइट. तो ये सब जो फ्रीडम्स हैं, जो हमें कुछ भी पढ़ने लिखने बोलने की आज़ादियाँ जो दी गई हैं, ऑल दो विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू द पीपल हु फॉट फॉर अस, हु आर स्टिल फाइटिंग फॉर अस, ठीक है. तो हमें भी कोई योगदान अपने देने चाहिए. मैं हमेशा ही इसलिए बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट कुछ कुछ वीडियो आपको लगता होगा कि ये बोला जा रहा है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस कम्स फ्रॉम विद इन. जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आपके अंदर एक चीज़ जागती है, अगर नहीं जाग रही है तो शायद आप एक ऑनेस्ट स्टूडेंट नहीं बोले जाएंगे, आप सिर्फ रट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कल को आपको एक सिलेक्शन लेना, वो इम्पॉर्टेंट है, वो तो लेना ही है, उसके बिना देखिए आप सर्व नहीं कर पाएंगे. बट आई मीन टू से इफ़ यू आर टेकिंग एनी यू नो पोस्ट, तो वहाँ पर भूलिएगा मत जो लोगों ने आपके लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, किसी के लिए भी, ठीक है. बिकॉज आप बोलेंगे मेरे लिए डायरेक्टली नहीं किए, ठीक है आपके लिए डायरेक्टली नहीं हुए, चलो लेट से आपके एक दो पीढ़ी ऊपर तो डायरेक्टली हुए, अगर उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं होते तो आप आज इतना सर्विंग नहीं हो पाते, आप इतने एम्पावर्ड नहीं हो पाते, ठीक है. दे अलाउड यू टू स्टडी, यू आर एन इंडिविजुअल, आप किसी के डोमिनियन स्टेटस में नहीं हैं, आप इंडिविजुअल हैं, ये बोलने का अधिकार आपको कहाँ से आता है, राइट. सो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टू एवरी वन अराउंड यू, आज भी, अभी भी जो लोग आपके आसपास हैं उनके लिए भी, जो पहले रहे उनके लिए भी. एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत.